कोई भी अगर दिक्कत है तो कमेंट करो, जनरली यार मैं कमेंट रिप्लाई करता हूँ, ठीक है, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो नहीं बोले। तो कम्बिनेशन ऑफ द लॉजिक गेट, देखो लॉजिक गेट से एक क्वेश्चन आता है यार मेरे भाई, पढ़ लो, बहुत मजे की चीज़ है, अच्छे से पढ़ लो। कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग गेट आउटपुट वाई कैन बी रिटेन इन द टर्म ए एंड बी। अब देखो ये लॉजिक गेट है, मैं इसको थोड़ा जूम कर दिया हूँ जिससे आपको समझ में आए। कभी भी याद रखो मेरी बात, बड़े ध्यान से सुनो, कभी तुम्हें फिजिक्स में कोई दिक्कत आएगा ही नहीं यार। यूट्यूब पर अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, या मतलब जो देखो यूट्यूब पर कचरा बहुत है यार, बुरा मत मानना, कचरा बहुत है, ठीक है, तो अच्छी फैकल्टी हैं, बहुत कम है। तो अगर मेरी बात ध्यान से सुनोगे और जितना मैं क्वेश्चन करा देता हूँ उतना कर लोगे तो तुम्हें कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा यार। चलो यहाँ पर देखो ए एंड बी देखो जब भी लॉजिक गेट के क्वेश्चन करोगे ऑलवेज दो मेथड होता है लॉजिक गेट को क्वेश्चन करने। एक होता है बुलियन एलजेब्रा, बुलियन एक्सप्रेशन से सॉल्व करते हैं, और दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों हार्डवर्ड ट्रेडिशनल मेथड, जो 0101 के फॉर्म में ट्रू टेबल लिख के करेंगे। तो ये बुलियन एलजेब्रा के फॉर्म में ही एक्सप्रेशन है, तो इसमें 0101 करने के कुछ फायदे ही नहीं है। अब यहाँ से ए इनपुट आया तो इसको ए मिला, तो ए इधर चला गया, इसको आ गया ए, समझना। और ये यहाँ से जो ए इनपुट आया जो भी दो वो ये जो बिंदी है, समझ रहे ना, ये जो बिंदी लगा होता है गोला, ये जो गेट किसी भी गेट के सामने कहीं भी लग जाता है, ये सामने बिंदी, इस बिंदी का अपना स्पेशल मीनिंग है यार, ठीक है, इस बिंदी का स्पेशल मीनिंग है। ये इन्वर्टर की तरह काम करता है, इन्वर्ट कर देगा जो भी चीज़ यहाँ पर रहेगी। जैसे मान लो यहाँ 1 आया तो इस बिंदी में यहाँ आके वो 0 हो जाएगा, ठीक है, अब या ये इन्वर्ट कर देगा। अगर ये 0 आया यहाँ से तो यहाँ आके 1 हो जाएगा, इन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ से अगर अब यहाँ से समझने की कोशिश करना, यहाँ से ए आया तो इधर तो ए चला गया और यहाँ इन्वर्ट होके ए बार आ गया, क्लियर है। अब यहाँ से बी आया तो इसको तो यहाँ से तो बी यहाँ तक तो बी रहेगा, लेकिन यहाँ बी इन्वर्ट कर देगा बी बार। तो इस वाले गेट को क्या इनपुट मिला, इसको मिला बी बार और ए। अब ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा यार, ए डॉट बी बार कर देगा, ये बात समझ में आ गया होगा, ए डॉट बी बार एंड गेट है। यहाँ से बी इधर आया तो बी इधर आया ए, तो इसको क्या इनपुट मिला, अब ये मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर से ए बार मिला था, इसको बी मिला था, तो ये कर देगा ए बार डॉट बी कर देगा, बराबर है। अब ये क्या है, और गेट है, तो ये इन दोनों को जोड़ देगा, मतलब ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी, ये वाला जो चीज़ है दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ए आउटपुट आउटपुट है। अब इसको मैच कर लो कौन सा, ऑब्वियसली कॉमन सेंस बी मैच कर रहा, बहुत मजे की चीज़ है। पूरी जो कहानी है प्यारे बच्चों लॉजिक गेट की।